संजय जी, राजनीति के बहुत करीबी दोस्त नीतीश कुमार ने अब एनडीए का दामन थाम लिया है। निश्चित रूप से जो कुछ भी पिछले 15-20 घंटों में हुआ है वो इस बात का संकेत है कि देश में अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, तानाशाही की राजनीति लगातार बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अरुणाचल में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी हमने सवाल खड़े किए थे, उत्तरांचल में जब एक सरकार चुनी हुई सरकार को गिराया गया तब भी हमने सवाल खड़ा किया था, गोवा और मणिपुर में जिस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई तब भी हमने सवाल खड़ा किया था, और आज एक चुनी हुई गठबंधन की सरकार को जिस तरह से बिहार के अंदर खेल करके और गिरा के दूसरी सरकार बनवाई गई नीतीश कुमार की, ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है कि अगर अमित शाह और बीजेपी की राजनीति इसी तरह से देश में बढ़ती रही तो आप किसी भी पार्टी को वोट देंगे वो वोट जाएगा बीजेपी में, भले ही सरकार आप किसी भी दल की बनाए लेकिन सरकार बन जाएगी बीजेपी की, सरकार बन जाएगी एनडीए की। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत खतरनाक परिस्थिति है देश की राजनीति के लिए, और खासतौर से विपक्षी पार्टियों को अब ये समझ लेना चाहिए कि देश में कोई सरकार अब नहीं चल सकती, हर जगह धीरे धीरे करके बीजेपी का कब्जा कर लिया जाएगा, बीजेपी की सरकारें बना ली जाएगी। लेकिन संजय जी, क्या आप लालू यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार छोड़ने की बात नीतीश कह रहे हैं अंतरात्मा सुनने के बाद। नहीं, नीतीश कुमार जी इतने भोले हैं, उनकी अंतरात्मा तब कहां गई थी जब उन्होंने सजा काट चुके लालू यादव के साथ गठबंधन किया था, तब तो लालू यादव जी को सजा हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के साथ वो खड़े हैं आज उनका चरित्र क्या है, कौन है शिवराज सिंह जो व्यापम में फंसे हुए हैं, कौन है वसुंधरा राजे जो आईपीएल में फंसी हुई हैं, कौन है रमन सिंह जो 36,000 करोड़ के अनाज घोटाले में फंसे हुए हैं, कौन है इस मोदी सरकार में आप देख लीजिए बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन पे तमाम चार्जेस हैं, उमा भारती जी के ऊपर 307 का मुकदमा है, इनके निहाल चंद इनके यहाँ मंत्री था, तो कैसे प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं और किसको आप गुमराह कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं इस देश की जनता मूर्ख है, उसको मालूम नहीं है कि आप क्या खेल कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पूरा गेम प्लान बनाकर ये सारा कुछ खेल किया गया है, और एक सरकार को वहां पर गिरा के अनैतिक तरीके से वहां एक नई सरकार बनाई गई है, क्योंकि जनादेश जो मिला था वो बीजेपी के खिलाफ बिहार की जनता ने जनादेश दिया था। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था और उसको लेके बाकायदा ब्लड सैंपल भेजा था जेडीयू आरजेडी ने कि भाई बिहारियों के डीएनए को टेस्ट करके बताओ। आज उन्हीं बिहारियों का डीएनए ठीक हो गया, अब उन्हीं उसी पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार बना रहे हैं जिसके नेता ने आपके डीएनए पे सवाल उठाया, तो ये किस प्रकार की अवसरवादिता है और किसको आप गुमराह कर रहे हैं? आप उस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं जिस पार्टी ने गाय के नाम पे इंसानों को मारने की मुहिम चला रखी है देश भर में, नफरत की राजनीति की मुहिम चला रखी है देश भर में, और आप कह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा की आवाज, आपकी अंतरात्मा कैसी है जो उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार है जो नफरत फैला रहे हैं इस देश में, जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं इस देश में? संजय जी, दिल्ली में भी डर है क्या इस तरीके की? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली ही नहीं, उड़ीसा हो या देश के जो भी राज्य हैं जहां पर भी गैर बीजेपी की सरकार चल रही है उन सारे राज्यों में आज खतरा है। ये इस प्रकार की पार्टी है और इसका जैसे मैंने नाम लिया अमित शाह जैसे लोग जिनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है कि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करो, गिराओ, बर्खास्त करो, सारी सरकारों के लिए खतरा है, दिल्ली की सरकार के लिए भी खतरा है। हमारे 15-15, 20-20 विधायकों पर मुकदमे हुए, उनको जेल में भेजा गया। मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन में इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनके यहाँ 10 घंटे सीबीआई का छापा होता है, सत्येन जैन के यहाँ छापा होता है, लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पे छापा होता है दिल्ली के अंदर, निकलता कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दोहरा मापदंड इस सरकार का है, सीबीआई का इस्तेमाल अपने तोते के रूप में कह रहे हैं, मालिक जो कहता है तोता वही सुनता है, तोता व्यापम पे कार्रवाई नहीं करता, तोता रमन सिंह पे कार्रवाई नहीं करता, तोता आईपीएल में कार्रवाई नहीं करता, तोता माल्या पे कार्रवाई नहीं करता, तोता अडानी पे कार्रवाई नहीं करता, तोता किसके लिए है? मनीष सिसोदिया के लिए है, सत्येन जैन के लिए है, अरविंद केजरीवाल के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है, तोता इसके लिए है। संजय जी,
सवाल ये है कि क्या जो राजनीतिक दोस्त आपका एनडीए में अब शामिल हो गया है उसने अपोजिशन की लड़ाई को कमजोर कर दिया? निश्चित रूप से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की और जनता की जो एकजुटता बन रही थी उसको बहुत बड़ा धक्का नीतीश कुमार जी ने पहुंचाने का काम किया है।